लेकिन एक बार एफआईआर और डीआईएस की भी आंकड़े देख लेते हैं। और एफआईआर की बात करें तो शुक्रवार के दिन कैश मार्केट में खरीदारी हुई, करीब 4022 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में 1651 करोड़ की बिकवाली हुई है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे तो 1414 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। वही इंडेक्स ऑप्शन में 5451 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से भी अगर संकेत देखेंगे तो डीआईएस की तरफ से तो बिकवाली हुई है, लेकिन एफआईआर की तरफ से काफ़ी स्ट्रांग फिगर्स आ रहे हैं खरीदारी के। तो चलिए, ये हैं इस वक्त के आंकड़े और क्यूज, काफ़ी मिले जुले क्यूज इस वक्त देखने को मिल रहे हैं आज इंडियन मार्केट्स के लिए। लेकिन आज के लिए, क्योंकि हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है, तो आज के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे ये एक बार देख लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए आज भारतीय बाजार कैसे दिखाई दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप ओवरऑल मार्केट्स को देखेंगे तो जैसे अभी एक वर्ड बार बार आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि थोड़ा कंफ्यूजन है, तेज है कि मंदा है, कुछ कुछ वो भी टाइसिस के अंदर आपको देखेगा, इनफैक्ट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी दिखेगा। देखिए, गैप की वेट हो रही है, एक मामूली छोटा सा गैप ऑलरेडी मार्केट ने दिया भी था, बैंक निफ्टी को जब 52,000 के नीचे पहुंचाया और उसके बाद फिर हमने देखा कि निफ्टी भी 24,200 तक आ गया था, 144 का उसने दो भी क्रिएट किया हुआ है। तो रिसेंटली मार्केट ने एक छोटा सा टिप दिया, बट ये सफिशियंट टिप नहीं था, तो बाजार उसके पास गैप अप हुआ विद द हेल्प ऑफ आईटी कंपनीज की, जिसके नंबर आए और टीसीएस की वेटेज की वजह से अगर आप देखेंगे या इंफोसिस या आईटी की वजह से निफ्टी ने तो बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है, बल्कि 24,500 के ऊपर की क्लोजिंग दी है जो की एक टिपिकली एक रेजिस्टेंस एरिया है। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे वहां पर सिर्फ 8 पॉइंट की बढ़त थी, सिर्फ 8 पॉइंट, जो बकायदा 67 पॉइंट डाउन थे। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि दोनों का डाइवर्जेंस फिर से क्रिएट हो गया और सब बीच का रीजन जो है डाइवर्जेंस का वो आईटी कंपनीज है। तो आज आपको फिर से यही चेक करना होगा कि आईटी कितनी हेल्प कर रहा है निफ्टी की और बैंक निफ्टी कितना ड्रैग कर लेगा। तो कुल मिला के मैंने दोनों का डाटा देखा। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के अंदर ऑलरेडी कुछ लॉन्ग पोजिशंस बनी है, ये लॉन्ग पोजिशंस जल्दी जल्दी बाजार को भी थोड़ा नीचे आने नहीं देंगे, बट हाँ इतनी भी बड़ी लॉन्ग पोजिशंस नहीं बनी है कि बाजार अपने रेजिस्टेंस को तोड़ तोड़ करके आगे निकल जाए। और अभी आप जो ग्लोबल पैरामीटर्स का रीजन बता रहे थे कि ट्रंप के ऊपर हमला वगैरह, वो एक ही दिन का एपिसोड है और शायद मार्केट इसको कैलकुलेट करेगा और उसके बाद आगे निकल जाएगा, क्योंकि कोई मेजर हैपनिंग एज सच नहीं हुई उसके अंदर। दूसरा पॉइंट, अगर आप मार्केट के अंदर है, निफ्टी के अंदर है स्पेशली, तो आपके लिए मैं फिर से वही दो लेवल रिपीट कर देता हूँ। आप सुन सुन के भी थक गए होंगे, लेकिन करें क्या, मार्केट वही का वही है, लेवल्स वही के वही है, कोई चीज नहीं है, ऐसा मेजर नहीं मिल रहे। 24,200 की वेट करनी है आपको, 24,000 की वेट करनी है, तो शानदार एंट्री के लेवल है। आप चाहो तो 24,200 के आसपास कर सकते थे एंट्री, अगर भी बात हमारी लास्ट टाइम पानी है तो ऑलरेडी वो 300 पॉइंट के गेन में, अगर आप चेक करना है तो चेक कर सकते, 24,200 से 24,500 की क्लोजिंग मिली हुई है, तो ऑलरेडी वो 300 पॉइंट के गेन में है। तो आप फिर वेट करो 24,200 की, हालांकि वैसे 24,400 का भी एरिया है, बट मार्केट के अंदर फॉल आएगा, थोड़ा शैलो मार्केट है तो उसको स्लो सकता है, लेकिन वेरी इमीडिएट जिनके पास आया हुआ, दो स्टॉप लॉसेस दिए, पहला 24,200 का दिया, दूसरा 24,400 का दिया। 24,400 उन लोगों के लिए जिनके पास पोजीशंस ऑलरेडी खड़ी है, वो चाहे तो अपना प्रॉफिट बुक करें या तो अपने स्टॉप को कराएं, जैसे नहीं पड़ता हो, लेकिन जो उनको एंट्री करनी है उनको 24,200 के आसपास एंट्री करनी चाहिए और 24,000 का स्टॉप लॉस करना चाहिए। तो अभी लेकिन बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ी कम है, और अगर आप फिर से चेक करेंगे तो उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट फिर से कम हुआ है। देखिए, ओपन इंटरेस्ट का बुरा, अच्छा और बुरा दोनों माना जाता है, लेकिन वो प्राइस एक्शन के साथ जुड़ के देखा जाता है, तो प्राइस एक्शन तो कुछ हुआ नहीं, फिर से ओपन इंटरेस्ट कम हो गया। इसका मतलब यह है कि बाजार के अंदर धीरे धीरे पोजिशन कम हुई है, जो लोगों का ओपन है, इंटरेस्ट है, जो उनकी इच्छा शक्ति है वो कम हो रही है बैंक निफ्टी के अंदर। इट्स नॉट अ गुड साइन, भले प्राइस एक्शन कुछ नहीं आया बट वो अच्छा साइन नहीं है, OI कम होना, और इस पर बैंक निफ्टी काफी लाइट हो चुका है, 89 का PCR चल रहा है, 0.89 का। कुल मिला के आपको थोड़ा वेट करना चाहिए बैंक निफ्टी में, अगर क्रैक के साइन पहले देगा तो कोई बैंक निफ्टी देगा। और ध्यान रखिए, जब मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, 52,000 के नीचे जाते ही धीरे धीरे करके गियर्स अपनी ग्रिप बना लेंगे मार्केट के अंदर, और फिर ये मार्केट को ड्रैग करके 50,000 तक भी लेके जा सकते हैं। आई रिपीट, 50,000 तक भी लेके जा सकते हैं, बट उसके लिए पहले 52,800 के नीचे उसको आना होगा। अब आते हैं ऊपर पे, अगर बाजार ऊपर चलता है, 52,000 नीचे नहीं टूटता है, 51,800 भी नहीं टूटता,
अगर ये दोनों लेवल नहीं टूटते तो मार्केट एक फुल बैक दिखा सकता है। ये फुल बैक कहाँ आएगा, ये फुल बैक आ सकता है 52,800-53,000 मैक्स तक, यानी कि इसके ऊपर फिलहाल अभी कोई डाटा बन भी नहीं रहा, कोई डाटा है भी नहीं, और इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी बहुत लंबी है, 21 जुलाई तक जाएगी। तो आप होल्ड करके रखें, हमने ऊपर के लेवल पे शॉर्ट भी करवाया हुआ है, और जिनके पास शॉर्ट है ऑलरेडी वो प्रॉफिट में ही है अभी भी, तो अपने शॉर्ट्स को भी होल्ड करके रखें। जरूरी नहीं है कि सिर्फ तेजी वालों को होल्ड करना है, शॉर्ट वालों को भी होल्ड करना है, ऑप्शन ट्रेडर्स को थोड़ा रुक के काम करना चाहिए। ये है कुल मिलाकर मार्केट का सेटअप। ठीक है, तो ये रेंज आपको बता दी है, रेंज को प्ले करने की कोशिश कीजिए, शॉर्ट वाले भी लॉन्ग वाले भी अपनी अपनी पोजीशन होल्ड करके चलिए, और इसी दायरे में बाजार कारोबार करेगा। निफ्टी के लिए जो अहम रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आ रहा है वो है 24,550 और उसके बाद 24,650। नीचे की तरफ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स निकल कर आ रहे हैं 24,400-24,200, यही रेंज रहेगी, इसी में शॉर्ट और लॉन्ग वालों को ट्रेड करना है। और बैंक निफ्टी के लिए भी आपको बता दिया, जब तक 52,800 के लेवल्स नहीं टूटते हैं तब तक आप बैंक निफ्टी में यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी अच्छी मजबूती के साथ ही यहाँ पर कारोबार हो रहा है, तो ये कुछ लेवल्स हैं, इस पर आप नजर रखें। बाजार पर एक और रणनीति शेयर करने के लिए हमारे साथ नितिलेश पावस्कर भी जुड़ चुके हैं। नितिलेश जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। तो काफी मिले जुले क्यूज निकल कर आ रहे हैं इस वक्त एशियाई बाजारों से, और ग्लोबल मार्केट से बात करें तो गिफ्ट निफ्टी तो काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है, लेकिन अन्य एशियाई बाजार भारी बिकवाली वहां पर देखने को मिल रही है। इन तमाम क्यूज को देखते हुए, जो भी इवेंट्स हुए हैं ओवर द वीकेंड, इन्हें देखते हुए आज भारतीय बाजारों में आप किस तरह का कारोबार देख रहे हैं, शुरुआत कैसी हो सकती है आज? देखो, मार्केट में अगर हम लोग देखेंगे तो एक थोड़ा सा एक माइल्डली पॉजिटिव गैप ओपनिंग हमें देखने को मिल रहा है 50-60 पॉइंट का, तो वहां पे देखना पड़ेगा कि मार्केट सस्टेन होता है क्या। अगर वहां पे सस्टेन नहीं होता है और मार्केट 21,480-21,490 ये लेवल के नीचे सस्टेन होता है तो शायद से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन जब तक बाजार 21,500-24,500 ये लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक कुछ डरने की जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी में एक चीज देखना पड़ेगा कि 52,500 ये जो बार बार रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है तो वहां पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, इस लेवल को अगर ये मार्केट ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ से एक फर्दर तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में मेरा राय होगा कि अगर 52,500 ये लेवल टूटता है तो वहां पे बाइंग करके चलना चाहिए, 52,000 के नीचे एक सेलिंग का व्यू हम लोग लेके चल सकते हैं, लेकिन निफ्टी में मेरा अभी भी कोई बाइंग का व्यू नहीं है। जो भी लॉन्ग से वो 24,480 ये लेवल के साथ आप होल्ड कर सकते हो, फ्रेश बाइंग अभी यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि अगर ये 24,480 ये लेवल के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करेगा तो शायद से डीप देखने को मिल सकता है 24,380 से लेके 24,300 ये लेवल तक। ठीक है, और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपनाएं नितिलेश? स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम लोग देखेंगे तो IRCTC में एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन 1000 के ऊपर देखने को मिल गया है, तो यहाँ पे मेरा कंडीशनल बाय होगा 1047 ये लेवल को अगर ये क्रॉस कर देता है तो 1040 ये लेवल के आसपास हम लोग स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे, और पहला जो टारगेट होगा वो 1060 से लेके 1070 यहाँ से एक मोमेंटम पिकअप हो सकता है। अगर ये क्रॉस कर देता है 1070-1075 तो यहाँ से बड़े टारगेट पोजिशनल बेसिस के ऊपर भी हमें IRCTC में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो मेरा काउंटर होगा वो होगा सेल साइड का, एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन की तैयारी कर रहा है ABB में अगर हम लोग देखेंगे तो 8200 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 8200 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है स्पॉट में तो 8240 ये लेवल के साथ हम लोग इसमें बिकवाली करेंगे, 8140-8100 ये हमारे टारगेट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह आज के ट्रेड के लिए। थैंक यू सो मच नितिलेश जी आपका आज समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए